आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं बथुए के साग के पराठे, जो कि सर्दियां आते ही आना शुरू हो जाता है। आप इसके गुणों के बारे में जानेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे। बहुत ही बेनिफिशियल होता है ये आपके, इसमें प्रोटीन रिच होता है, बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं जो आपके सेल्स रिपेयर करने में हेल्प करते हैं, और वेट लॉस के लिए भी, जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उसमें भी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि इसमें सिर्फ 100 ग्राम में सिर्फ 43 कैलोरीज होती हैं। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने लिया है 1/2 किलो बथुआ, जिसे हमने धोकर साफ़ कर लिया है, इसकी डंडियाँ तोड़ के हटा दी हैं और अब इसका पानी भी निचड़ चुका है, और अब हम इसको कट कर लेंगे। और इसके लिए हमने लिया है यहाँ पर 1/2 किलो आटा। बथुए के पराठे के लिए हम आटे में इनको गूंदेंगे, उसके लिए हमने ये सामग्री ली हुई है। यहाँ पे है लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, 7-8 हरी मिर्चियों का हमने पेस्ट बना लिया है, नमक स्वादानुसार, काला नमक थोड़ा सा, और ये है अदरक का पेस्ट, ये भी लगभग 1 चम्मच है, थोड़ी सी अजवाइन, और ये पिसी लाल मिर्ची स्वादानुसार। हम आटे में इन सामान को डालेंगे, तो पहले हम अजवाइन को हाथों में थोड़ा सा इस तरह से लेके क्रश कर लेंगे और इसको डाल देंगे। और अब हम इसमें नमक डाल देंगे, काला नमक, पिसी हुई लाल मिर्ची, लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट, और ये हरी मिर्ची का पेस्ट भी हम इसमें डाल देंगे। इसमें क्या होता है कि पिसी हुई हरी मिर्ची हम इसमें डालते हैं तो वो जो हरी मिर्ची होती है ना, फिर वो अलग से निकलती नहीं है, तो इसको आप पेस्ट बनाकर डालें, आप चाहें तो कट करके भी डाल सकती हैं, पर ये इजीली इसमें मिक्स हो जाती है, तो हम यहाँ पर इसका पेस्ट डाल रहे हैं। और आप अब इसको अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लें आटे में। वो सब सामान मिलाने के बाद इसमें हम 1 चाय के चम्मच बराबर रिफाइंड ऑयल डाल रहे हैं, इससे पराठे बहुत ही खस्ता बनते हैं। तो अब हम इसको भी अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें गुठले ना रहें। और अब ये बथुए को हमने बारीक काट लिया है, अब हम इसको भी आटे में मिलाएंगे। बहुत तरीके से बथुए के पराठे बनते हैं, पर यहाँ पर हम आटे में कटा हुआ बथुआ को नीट करके बथुए के पराठे बना रहे हैं। ये पराठे जो है क्रिस्पी बनते हैं, बहुत लोग इसको उबाल कर भी बनाते हैं तो वो थोड़े से मुलायम बनते हैं। अगर आपको क्रिस्पी पराठे खाने हैं तो आप बथुए को इस तरह काट कर आटे में गूंदेंगे तो पराठे भी जल्दी बन जाएंगे और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगे। फिर आप उसे हरी चटनी से या किसी सब्जी से भी खाएँ तो बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। और अब इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप गूंदें, एक साथ ज़्यादा पानी ना डालें क्योंकि आटा गीला हो जाएगा, हमें गीला आटा नहीं करना है, फिर इसको बेलने में परेशानी होगी। ये देखिए आटा हमारा गूंद गया है, हमने इसको गूंदने के बाद 10 मिनट के लिए थोड़ा सा रख दिया था, जिससे आपका आटा बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाएगा और पराठे बहुत अच्छे बनकर तैयार होंगे। चलिए आप पराठा बनाना शुरू करते हैं। अब थोड़ा सा हाथ में सूखा आटा लगाएं, और अब आप एक लोई तोड़ें, जितना बड़ा है आपको पराठा बनाना है उस हिसाब से, आप मीडियम साइज़ के हिसाब से आप एक लोई तोड़ के लोई बनाएं। लोई बनाने के बाद इसमें सूखे आटा लगाकर हम इसको बेलेंगे। हम आपको इससे 2-3 तरह के पराठे बनाना बताएंगे कि आप इसको किस तरह से बना सकते हैं। अभी हम सिंपल बनाना सिखा रहे हैं। इसको बेल लें, मतलब रोटी की तरह से बेल लें, इस तरह से आप इसको बीच में थोड़ी सी खुश्की लगा लें तो बहुत ही क्रिस्पी पराठा बनकर तैयार होता है। देखिए जो बारीक कटा हुआ बथुआ है वो सब जगह इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस तरह से आटे में हम मिला के गूंदते हैं तो ये इस तरह से अच्छा पराठा बनकर तैयार होता है। तो ये एक सिंपल तरीका है कि अगर आप इसमें बिना अंदर तेल डाले भी अगर आप इसको बनाना चाहें तो इसमें जल्दी जल्दी से आप बेल के खट्टे भी रख लेंगे और जल्दी सेक लेंगे, तो आप एक साथ बिठा कर कई लोगों को खिला भी सकते हैं। ये पराठा अपना बेल चुका है, तवा रख लिया था, ये गरम हो गया है, आप इसको चेक कर लें गरम हो गया है कि नहीं, उसके बाद इसको पराठे को डालकर सेक लें। अब एक तरफ से पराठे को हो जाने दें, अब इसको पलट लें क्योंकि ये एक तरफ से हो चुका है। अब हम इसमें यहाँ पे ऑयल लगा के सेक लेंगे, यहाँ पे हम रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रहे हैं, आप चाहें तो घी के भी पराठे बनाकर सेक सकते हैं। एक तरफ तेल लगाने के बाद इसको पलट कर हम दूसरी तरफ से तेल लगाएंगे और इसको पलट कर देखिए इस तरह से ब्राउन चिक्की पड़ जाएगी और आपका पराठा सिक जाएगा इस तरह से। ऐसे पराठों को आप एक साथ बेल कर भी रख लेंगे तो ये इनका आटा इतना सॉफ्ट होता है और ना ज़्यादा गीला होता है तो ये चिपकते नहीं हैं। आप इसको फिर एक साथ बनाकर सेक सकते हैं और लोगों को साथ साथ गर्म गर्म खिला सकते हैं। तो ये गर्मा गर्म बथुए का पराठा बनकर रेडी है, अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे।
अब हम दूसरे तरीके का पराठा बनाते हैं। एक तरीका हमने बता दिया, अब इसकी लोई बना लें। लोई बना के हम फिर इसको बेलेंगे, इसको बेल लें। अब इसको बेलने के बाद अब हम इसमें अंदर तेल लगाएंगे, थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लेकर हम इसको सब तरफ फैला देंगे। और अब इसको इस तरह से फोल्ड कर हम एक चौकोर पराठा बना लेंगे। अब इसको बेल लें, आप थोड़ी सी खुश्की लगाकर तो बेल लें। अब इसमें क्या, अंदर तेल लग जाता है तो ये पराठा और सॉफ्ट और अच्छा बनकर तैयार होता है। शेप से ये हो जाता है कि अगर आपके घर में बच्चे हैं, क्योंकि साथ ये होता है कि बच्चे शेप देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो खाने के लिए रेडी हो जाते हैं कि चलो हम इसे खा लेते हैं। कभी आप इसको स्क्वायर बना दें, कभी आप ट्रायंगल बना दें, तो बच्चों को थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है, क्योंकि बच्चों को खिलाना इतना आसान नहीं होता है। तो अगर उसके शेप अगर हम बना देंगे और अंदर तेल भी लगाए तो बहुत अच्छा पराठा बनेगा और बच्चे बहुत ही चाव से इसे खा लेंगे। अब देखिए हमने तवा गरम है ही हमारा, तो अब हम इसमें डालकर पराठे को सेक लेंगे। ये देखिए बढ़िया स्क्वायर पराठा बना है, जो बच्चे को आप टिफ़िन में भी बांध देंगे तो बच्चा खुशी खुशी आपका पराठा ये लेकर जाएगा और खाएगा। तो अब इसको एक तरफ से सिकने दें। एक तरफ से होने के बाद हम इसको पलट कर एक तरफ इसमें साइड से तेल लगाएंगे। एक तरफ तेल लग चुका है, अब हम इसको पलट कर दूसरी साइड में इसमें ऑयल लगा लेते हैं। अब इसको पलट लें। आप कितना क्रिस्पी पराठा बनकर तैयार हुआ है। तो अंदर ऑयल लगाने से और थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाता है। ऐसे बनाएंगे तो आपका पराठा खस्ता बनेगा। तो हर तरीके से पराठा आप थोड़ा सा भी चेंज लाते हैं तो सारे में टेस्ट चेंज होते जाते हैं। तो ये भी पराठा सीख गया है। अब आपको ट्रायंगुलर पराठा बनाकर दिखाते हैं। तो इसके लिए हमने एक लोई को तोड़कर ये रोटी की तरह इसको बेल लिया है। अब हम इसमें अंदर तेल को लगाकर फैला देंगे। फैलाने के बाद इसको ट्रायंगुलर शेप में हम इसे फोल्ड करेंगे। ऐसे हाफ आप इसको फोल्ड कर लें और फिर इसको इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में फोल्ड करके इसको खुश्की लगाकर बेल लें। तो इस तरह से आप इसमें थोड़ा सूखा आटा लगाकर इसको बेल लें। देखिए इसको इस तरह से बेलें कि इसका ट्रायंगुलर शेप थोड़ा बरकरार रहे। अब ये देखिए हमारा पराठा बेल चुका है, इसका शेप भी देखें आप, बिल्कुल ट्रायंगुलर जैसा है। तो अब हम इसको सेक लेंगे। तवा गर्म है, हम इसको डाल देते हैं और इसको सेक लेंगे। ऐसे ही एक साइड से इसे सिकने दें। एक साइड से होने के बाद हम इसको पलट लेंगे। तो ये देखिए एक तरफ से ये हो गया। अब हम यहाँ पे साइड में इसमें तेल लगा देते हैं। अब इसको पलट कर दूसरी तरफ भी इसमें ऑयल लगा देंगे। ये देखिए पराठा हमारा फूलने भी लगा है और कितना क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है और शेप भी इसका ट्रायंगुलर है, तो बच्चों को खूब पसंद आने वाला है। दोनों तरफ से पराठा अच्छी तरह से सिक चुका है। अब देखने में ही समझ में आ रहा होगा कि पराठा खूब क्रिस्पी सिका है और खाने में भी बहुत मज़ा आता है और इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत हैं। तो इसको ज़रूर खा के देखें सर्दियों में। इसको भी प्लेट में निकाल लेंगे। हमने एक और ऐसे लोई हमने बेल ली है रोटी की तरह। अब हम आपको इसका गोल पराठा लच्छे जैसा बनाना बता रहे हैं। तो अब हम इसमें अंदर तेल लगा लेंगे, इसको फैला लेंगे और इसको इस तरह से राउंड राउंड हम इसको फोल्ड कर लेंगे। ये करने के बाद हमें इसको इस तरह से फोल्ड करना है और ये अपनी लोई फिर से तैयार हो गई। और अब हम इसको बेल लेंगे खुश्की लगाकर। इसमें आटा लगाएं थोड़ा सूखा, इसको बेल लें। ये पराठा भी बहुत अच्छा बनकर तैयार होता है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें आपने अंदर ऑयल लगा लिया है, अगर आप इसको ऐसे तेल लगा के सेकना चाहें तो तेल लगा के सेक सकते हैं, या फिर इसको अगर आप कभी चाहें तो रोटी की तरह सेक कर ऊपर से देसी घी लगा के खाएं तो भी बहुत स्वादिष्ट लगता है खाने में। उसको थोड़ा थोड़ा सा आटा लगा कर आप इसको बड़ा कर लें और बेल लें। देखिए हमारा पराठा बेल गया है, अब इसको सेक लें। तवे पर डाल के इसको भी सेक लेते हैं।
एक तरफ से ये पराठा सिक गया है। अब इसको हम तेल लगा के सेक लेंगे, को पलट लें और दूसरी तरफ से भी ऑयल लगाकर सेक लें। ये देखिए पराठा हमारा फूलने लगा है। और जब हम इसे खाते हैं ना, तो इसके जो हमने राउंड करके बनाया, तो इसकी लेयर्स बहुत ही अच्छी लगती हैं खाने में। ये पराठा बनकर रेडी है। देखिए इसके लेयर्स की वजह से, इसमें बीच में जो लेयर्स दिख रही हैं जिसे हमने बनाया है, वो इसी वजह से इसमें लेयर्स आ गई हैं। पराठा सिक गया है, इसे उठा लें। ये पराठा भी बनकर रेडी है। और अभी मैंने आपको बताया था कि आप उसको रोटी की तरह सेक के ऊपर से, तो आपको बना के दिखा भी देते हैं। तो जिनको तेल घी थोड़ा सा कम खाना है, तो ऊपर से इसमें इस तरह से आप बना सकते हैं। तो इसको पहले बेल लें, बेलने के बाद इसमें अंदर तेल लगाएं और इसको वैसे ही राउंड, जैसे अभी हमने आपको राउंड बेल के बताया था, गोल बना के लोई का, इसको सेक लें, बेल लें पहले, इस तरह से बेलने के रोल बनाने के बाद इसको, जैसे लच्छा पराठा बनाते हैं उसी तरह से इसको राउंड करके लोई बना लें फिर से। और अब इसको सूखा आटा लगा के बेल लें, लगा लें आटा और इसको बेल लें। और अब आप इसको बेल लें, पराठा रेडी है। अब इसको सेक लेते हैं। अब इसको डालकर हम इसे सेक लेंगे और इसको हम यहाँ पे ऑयल नहीं लगाएंगे, इसको हम रोटी की तरह तवा उतार कर सेकेंगे। एक तरफ से होने के बाद इसको दूसरी तरफ से टिक्की आने तक आप इसको करें, फिर उसके बाद इसको रोटी की तरह सेक लें। अब इसको तवा हटाकर रोटी की तरह सेक लें। गैस की फ्लेम पर इसको इस तरह से सेक लें। तो क्या है कि जब हम इसमें ऊपर से तेल लगाते हैं, तो दोनों तरफ आपको ऑयल लगाना पड़ता है। कुछ लोगों को कम पसंद होता है ऑयल वगैरह, तो आप उसको इस तरह से भी खा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि स्वादिष्ट हो, और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। आप इसको इससे भी बना के खा सकते हैं। ये देखिए दोनों तरफ से सिक गया है। इसको प्लेट में निकालने इसको बाद अब हम इसमें थोड़ा सा देसी घी लेकर, देसी घी लगा देंगे ऊपर से। ये और भी स्वादिष्ट लगता है खाने में, देसी घी का भी टेस्ट आ जाता है। और एक ही तरफ से आपका इसमें घी या ऑयल, ऑयल तो नहीं लगता, इसमें घी ही लगता है। तो आप इसको ऐसे लगाकर खा सकते हैं। ये अपने डिफरेंट तरीके के पराठे बनकर तैयार हैं। तो बथुए के पराठों का आनंद लीजिए। इस तरह से कई तरीके के पराठे बनाएं, शेप्स बनाएं, बच्चों को खिलाएं, बड़ों को खिलाएं, और खूब स्वादिष्ट पराठे। ये है आपका गोल लच्छेदार पराठा जो हमने ऑयल से सेका, वो घी वाला था। ये ट्रायंगुलर हो गया और ये हो गया स्क्वायर। और नीचे हमने आपको रोटी की तरह बेल के सेकने वाले पराठे भी बताए थे। तो डिफरेंट तरीके के पराठे हो गए। इसे क्या होता है कि देख के थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है। खूब सॉफ्ट पराठे बने हैं। और ये देखिए हमारे गर्मा गर्म डिफरेंट शेप्स के बथुए के पराठे बनकर तैयार हैं। आप इसको हरी चटनी के साथ, मीठी चटनी, यहाँ पे हमारे पास आम की लौंजी है वो भी हमने सर्व की है, और ये है मिर्ची की अचार। और आपके पास जो भी वेजिटेबल हो उसको भी उसके साथ खा सकते हैं। हमारे पास यहाँ कड़ी अवेलेबल है तो हमने कड़ी लगाई है, और ये है तली हुई मिर्ची। तो आप किसी भी चीज़ के साथ इसको सर्व करें तो आप इसका आनंद ले सकते हैं। नाश्ते में आप इसको खाएं, बहुत ही स्वादिष्ट और सेहत से भरपूर नाश्ता आपका होगा, जो आपको ज़्यादा कैलोरीज भी नहीं देगा, फाइबर से रिच होता है और आपके ब्लड को भी प्योरीफाई करता है। तो इतनी सारी खूबियों से भरपूर ये बथुए के पराठे आप एक बार ज़रूर खाकर देखें। हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अपने एक्सपीरियंस को हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।